अभी हम रात को निकला है नाइट आउट के लिए, और ये है मेरा भाई दीपू। तो फिर आगे चलते हैं और आपको जो रात का 9-10 बजे का जो व्यू होता है मार्केटा ब्रिज का, वो आज हम आपको पूरा अच्छा से दिखाने का कोशिश करेगा। तो फिर चलिए चलते हैं आगे। मार्केटा ब्रिज का सीन, जो कि अभी टाइम हो चुका है 10 बजने को है, तो ये है रात का 10 बजे का सीन। देखिए बहुत अच्छा तरीका से ब्रिज में लाइट लगाया गया है, ये एक चीज़ मुझे अच्छा लगा है और आप सबको भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके एक बार बताइएगा। और ऐसे आपको अभी रात को तो नदी दिखा नहीं पाएंगे, फिर भी एक बार कोशिश करेंगे आपको नदी दिखाने का। तो ये है मार्गरेटा ब्रिज और यहाँ से पार हो रहा है ड्यूक 390। ये है और इस तरफ आप देख रहे हैं, उसका ऑपोजिट तरफ रेल ब्रिज है, जहाँ से आपको छोटा छोटा वो लाइट दिखाई दे रहा है, वो सब वहीं पे है मार्गरेटा रेल ब्रिज। चलो चलो, लाइट बहुत बढ़िया से जल रहे हैं, रात में पूरा उजाला ही उजाला। रात का समय में हमेशा निकलता है या वॉक के लिए ये मार्गरेटा ब्रिज तक आता है, बस उसके बाद फिर रूम चला जाता है। तो आप लोग मेरा ब्लॉग देख के नहीं निकलिएगा, आपका पेरेंट्स कभी हाँ नहीं करेगा बाहर रात का 10 बजे निकलने के लिए। हमको ब्लॉग बनाना था इसलिए हम निकले, नहीं तो नहीं निकला था। अभी हम लोग पहुंच चुका है यहाँ पे है सेगुनबाड़ी का एटीएम, और रात को सेगुनबाड़ी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ का जो रात में लाइट जलते रहता है हमेशा, रात को लाइट ऑफ नहीं होता है, आपको हम लाइट दिखाएगा, जो कि बहुत पावरफुल वाला लाइट है, बहुत सामने कवर करते हैं, तो आपको लाइट दिखाते हैं। तो ये है देखिए, यही रात को लाइट जलते रहता है और चारों तरफ को उजाला करता है। ये देखिए, ये सेगुनबाड़ी पूरा जगमग, रात को ऐसे ही सेगुनबाड़ी में लाइट चारों तरफ जलते रहता है। ये देखिए, तो ये है रात का समय का राजदीप कॉम्प्लेक्स पूरा जगमगाते हुए यहाँ। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।